श्रद्धा मर्डर केस के बाद श्रीजान ने तय किया था कि वो तुनिशा से अलग हो जाएगा। ये खुलासा श्रीजान ने किया है पुलिस के सामने। उधर तुनिशा शर्मा की मां ने कहा कि श्रीजान ने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया, शादी का वादा कर 3-4 महीने उसको यूज किया, उसके साथ वो रिलेशनशिप में था, उसका इस्तेमाल करता रहा और उसके बाद उसे छोड़ दिया जिसके तनाव को वो सह नहीं पाई और उससे पहले उसने लड़ाई झगड़े किए, मेरी बेटी को प्रोवोक किया जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इधर सियासत भी शुरू हो गई है। एक मंत्री ने कहा महाराष्ट्र की ये लव जिहाद का मामला है जहां पर श्रीजान ने लव जिहाद के जरिए लड़की फंसाई बाद में छोड़ दी। श्रीजान का कहना है कि श्रद्धा मर्डर केस के बाद देश में तनाव की स्थिति थी, उस तनाव को देखते हुए दोनों ने फैसला किया कि अलग हो जाते हैं क्योंकि उम्र का फासला बहुत बड़ा था और दोनों के धर्म अलग अलग थे और देश के माहौल को देखते हुए उसने तय किया था कि अलग हो जाएंगे। अब इसमें कौन सच्चा कौन झूठा वो पता नहीं, लेकिन पुलिस अब लव जिहाद के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। तो किलविश जी, चीन में दूसरी बार कोरोना विस्फोट हो चुका है, अब पूरे विश्व में संक्रमण फैलने का पूरा पूरा खतरा है, आपका क्या कहना है इस पे? ये सब साजिश है मेरे आगे। कैसे? गौतम के पिता को कहा गया कि तुम गौतम की माता से विवाह कर दो ताकि गौतम पैदा हो, गौतम को अमीर बनाया ही इसलिए गया कि वो मुझे एनडीटीवी से निकाल सके। मतलब आपके अगेंस्ट प्लानिंग मोदी जी ने तब कर दी थी जब वो चाय बेच रहे थे। उससे भी पहले से मोदी जी के माता पिता को मिलवाया ही इसलिए गया कि वो मोदी जी को पैदा कर सके, वो पीएम बन सके और मेरी जॉब खा सके।